हाँ, अभी हम आए हैं ब्यूड, BUDE, प्रेजेंटिंग टू यू द ओपन स्विमिंग पूल। और ये सामने स्विमिंग पूल है, पर आए हैं हम खाना खाने के। देखने में बड़ा सुंदर एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी आपका समय है। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कॉर्नवॉल में ही प्लेमिथ के पास, ड्यूब में, DUBE, ड्यूब। ये एक सी साइड एरिया है, यहाँ पर एक अच्छा सा विलेज है और विलेज के अंदर एक रिवर बहती है। रिवर बहकर समुंदर के अंदर जाती है, तो मैं अभी आपको वो समुंदर दिखाऊँगा डिटेल में, और वहाँ पर कैसे क्या खाना खाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी लंच हमें वहाँ पर करना है। एंड नेक्स्ट जो भी वहाँ पर मतलब मेन जो लोकेशंस है, जिन जहाँ देखकर अच्छा लगता है, जो स्केनिक व्यूज जहाँ पर होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ आप इसको कंप्लीट देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन भी आसपास की दूंगा मैं। हाँ, अभी हम आए हैं ब्यूड, BUDE। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अच्छी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा ब्यूड है। जो वाइट कलर के छोटे छोटे घर हैं वहाँ पर, चेंजिंग रूम टाइप में बनाए हुए। इस तरफ मेरे पीछे आप जो भी देख रहे हो, वो सारा का सारा बैठ के अपना रिलैक्स करने के लिए, आदमियों के लिए बनाए हुए। यहाँ पे कोई आने की फीस नहीं है, टोटली 100% फी फ्री है ये। व्यू तो आपको नज़र आ ही रहा है, कितना सुंदर है। प्रेजेंटिंग टू यू द ओपन स्विमिंग पूल। और ये सामने स्विमिंग पूल है। मैंने ये समुंदर के पानी से ही भरते हैं ना, भरा तो ऐसे लग रहा मुझे शायद इसको समुंदर के पानी से ही भरते और समुंदर में ही खाली कर देते होंगे। तो लग रहा है बीच में जो पर्वत जैसा है ना, वो तो ऑलरेडी फॉर्मेशन था ना, स्विमिंग पूल के बीच में कैसा आ सकता है वो, उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ। ये सर्दी में मोहतरमा नहा के आई है अभी, लाल टमाटर जैसे। कितना सुंदर है ना चारों तरफ, बड़ी प्यारी जगह है, पीसफुल। और आज ना सनी डे है, सूर्य देवता आज मेहरबान है, तो बहुत सारे आदमी यहाँ पर आए हुए घूमने के लिए। अभी यहाँ पर आए हैं हम खाना खाने के लिए, अभी जो भी खाना खाएंगे आपको दिखाते अच्छे वाला। बैठ जा पहले अंदर। ये है रेस्टोरेंट की सीटिंग एरिया आउटसाइड, और मेरे पीछे जो है वो सारा रेस्टोरेंट, और यहाँ बैठ के हम खाने वाले हैं। ये है टेबल नंबर 13।
ये है, ये है वो है पर्वत के नीचे उतर के नजारा। और जो बीच आपको दिखाया था ना वो वहां पर है, ये बीच, ये इससे नीचे आने के बाद नजारा है। यहाँ पर फोटो लेते हुए हमें हो गया करीब आधे घंटे से ज़्यादा, बहुत सारी फ़ोटो कैप्चर कर ली और अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर लिया। काफ़ी अच्छा बीच है ये, नो डाउट इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो है एक आगे और लोकेशन है इसके बिल्कुल नियर बाई, अराउंड पैदल वॉक करके हमें लगेगी 20 to 30 minutes लगेगा पैदल चल के जाने में, तो वहाँ जाएंगे फिर देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या रहेगा। और पानी की आपको आवाज़ शायद सुनाई दे रही होगी और बड़ी बढ़िया लहर चल रही है यहाँ पे। यूके में ब्रिटेन है, ब्रिटेन में कॉर्नवॉल एक जगह है, कॉर्नवॉल में ना सारा का सारा मतलब एरिया ना समुंदर के पास का है, मतलब जैसे एक टेल सी बनी हुई है। जैसे अपने नीचे इंडिया में आप देखते हो तो श्रीलंका के तरफ जब जाते हैं तो ऐसे घूम के तीनों साइड में समुंदर है ना, वैसे ही यहाँ पर है, ये समुंदर का एरिया। तो अगर आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाओगे अराउंड 200-300 किलोमीटर चल, मतलब 100-200 किलोमीटर चलने के बाद आपको दूसरे समुंदर की साइड दिखाई देने लगेगी, तो वो वाला कॉर्नवॉल एरिया है। तो कॉर्नवॉल एरिया के अंदर ही ये लोकेशन है जहाँ पर हम आज आए हुए हैं और काफी सुंदर है। ये मेरे पीछे ना बिल्कुल यहाँ की चर्च है, तो अच्छा सा व्यू था सोचा आपको दिखा दूं। देखो कितना मेंटेन करके रखते हैं अपने मंदिर को, ये इनका पूजा स्थान है, ब्यूड चर्च। अभी सामने हमें वहां पर ऊपर चढ़ के जाना है। ये इनकी यहाँ पर कैसल है, कोई काफी पुरानी है, हेरिटेज सेंटर लिखा, तो डेफिनेटली पुराना होगा ये, काफी क्लीन और ऑर्गेनाइज एरिया। इनके और हमारे मतलब जो भी टूरिस्ट स्पॉट है उनमें डिफरेंस दो चीज़ों का है, एक तो गवर्नमेंट फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करती है, जैसे ये चलने की देख सकते हो ये फ्लावर्स है, दूसरा हम लोग उसे क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं रखते, अच्छे से ख़राब कर देते हैं सभी चीज़ों को, चोरी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कुछ खाते हैं तो फेंक देते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखो कितना मतलब मेंटेन किया हुआ है, इनकी ये नदी है कोई, और दोनों तरफ में बाउंड्री बना के क्लीन करके रखा, और साथ में जहाँ भी आप देखोगे इस साइड में रेस्टोरेंट है राइट हैंड साइड में मेरे, और लेफ्ट हैंड साइड में इनका रेजिडेंस एरिया। और ये नदी आई थिंक आगे जाके समुंदर में अपने मिल जाएगी। देखने में बड़ा सुंदर एरिया है, काफ़ी सुंदर। और अभी कुछ टाइम बाद ना यहाँ पे जैसे टूरिस्ट इनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, समर्स में रहता है, तो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह भी लगाएंगे, कुछ नेचुरली फ्लावर्स भी ग्रो करेंगे ना, तो समर्स में इनके अच्छी और बेहतरीन सुंदर लगती है ग्रीनरी ना, क्योंकि इसमें फ्लावर्स ऐड हो जाएंगे। थोड़ा मौसम भी अच्छा है क्योंकि सूर्य देवता ने मेहरबानी की हुई है, इतनी सर्दी है भी नहीं, हवा लेकिन ठंडी चल रही, बट हाँ मौसम एकदम क्लीन है। इस तरफ भी हल्का सा ये पानी आ रहा है, ये पता नहीं कोई छोटा मोटा होगा नदी का स्प्रिंग वाटर, इस तरफ थोड़ी बड़ी नदी है। ये नदी क्रॉस करने के लिए बना हुआ है
और आई डोंट नो कितना पुराना है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा पुराना है ये शायद, लकड़ी को देख के पता चल रहा है। ये देखो नदी समुंदर में मिलेगी यहाँ पे। ये कोई एंटिक एंटिक जगुआर पुरानी, क्या हो गया? कुछ नहीं फर्क पड़ता ऐसे, क्यों नहीं फर्क पड़ता कुछ ऐसे। अब हम खतरनाक पतले से रास्ते से बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे हैं। ये देखो कोई भाई साहब यहाँ पे ध्यान मगन है। अब भी तो बीच में ना ये ऐसे रफ से रास्ते आए हैं, समुंदर हमारे बिल्कुल साथ में है और साथ में ये पहाड़ी है, और अब शायद ये पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी हमें। एक खतरनाक ट्रैकिंग आज हमें करनी है, क्योंकि एक्चुअली रास्ता हम गलत आ गए, वो स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा था ना लेफ्ट में, उससे जाना था। अभी ये ऐसा रास्ता है, ऐसे रास्ते से आए हैं और चलते आगे। ये रास्ता हम चढ़ गए हैं अभी, समुद्री रास्ता। ये देखो कितना सुंदर है समुंदर यार, दूर दूर तक बस समुंदर, सामने सूरज, ये साथ में एक ऊंचा सा टीला सा है साथ में, और इसके नीचे बिल्कुल जहां मैं खड़ा हूँ ये बहुत गहरी खाई है, कम से कम भी नहीं तो होगी 100 फुट के आसपास, 70-80 फुट तो होगी। ये देखो कितना क्लियर व्यू, बहुत सुंदर नजारा है, देख के ना एकदम मन को शांति मिलती है। आदमी बहुत कम है यहाँ पर बट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या है कि पॉपुलेशन कम ही है, छोटे छोटे गांव हैं या छोटी छोटी सिटीज हैं, उनमें ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। पर बहुत सुंदर व्यू, बहुत सुंदर चारों तरफ। अभी हम नीचे से चढ़ के यहाँ पर आए हैं और अब भी हमें वहाँ पर जाना है टॉप पे, तो चलते रहिए मेरे साथ ऐसे ही खूबसूरत चंगे देखते रहिए। इतने अच्छे स्केनिक व्यूज है ना यहाँ पर, मैं मतलब रोक नहीं पा रहा, हर कुछ कदम के बाद सुंदर सुंदर व्यूज है। ये देखो कितना अच्छा एक कटा हुआ सा हाफ मून टाइप में पर्वत सा समुंदर के पास, बहुत खूबसूरत है। इसकी पीक है, पीक पॉइंट, हाईएस्ट जो ऊपर जाके व्यू आता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो ये व्यू है। ये सबसे खूबसूरत जगह है और बहुत रिलैक्सिंग प्लेस है, समुंदर की प्यारी प्यारी आवाज, मंद मंद हवा, और उधर सनसेट होता हुआ दिखाई देगा अभी,
कोशिश करूंगा कि मैं आपको सनसेट दिखाऊं, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरी बस भी है। अगर उस टाइम तक सनसेट हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा। बट हाँ, मंडी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आज तक की, वो दुनिया जहान में घूम चुका और ये आज तक की सबसे बेस्ट लोकेशन है। तो अच्छी है, द बेस्ट टिल डेट, द प्लेसेस आई हैव विजिटेड, दिस इज द बेस्ट लोकेशन टिल डेट। आज तक जहाँ भी वो गया है, बहुत घूमता हो, मैंने भी बहुत जगह घूमा, बट बेस्ट लोकेशन है। आओ बैठो, खाना खाओ, ड्रिंक करो, जो भी आपको यहाँ पे करना है, और इन्जॉय करो इस लोकेशन के व्यू को, नेचर को। अभी मैं सोच रहा हूँ, जब इतनी शाम तक रुक ही चुके तो क्यों ना सनसेट देख के जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का सनसेट।